अस्सलामुअलैकुम। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म एग्ज़ाम स्प्रिंग 2022 कब से स्टार्ट हो रहे हैं और इसकी डेट शीट किस तरह से बनाई जाती है, ये तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे पहले आपने एकेडमिक कैलेंडर देखना है। एकेडमिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है आपके जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं इंशाल्लाह वो आपके स्टार्ट होंगे 16 जुलाई से आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। अब इसकी डेट शीट किस तरह से बनाई जाती है, आप लोगों ने क्या करना है, इसको जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये 3 लाइंस पे आपने क्लिक करना है एंड देन आप जाएं अपने स्टूडेंट सर्विसेज के ऑप्शन में। ठीक है, स्टूडेंट सर्विसेज के ऑप्शन में आप लोग जाएँगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट में मेक योर डेट शीट ये ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। चूँकि अब इसकी जो डेट शीट अभी लॉन्च नहीं हुई तो मैं आपको पर इसका पूरा तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से हमने करना है। आपने VULMS ID एंड पासवर्ड के साथ लॉगिन करना है। ठीक है, आपने उसके बाद में अपनी एग्ज़ाम सिटी जो है जहाँ पे आप अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे एक बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रहते किसी और शहर में है या वो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन किसी और सिटी में लिया हुआ है पर किसी काम की वजह से या कोई घरेलू ज़रूरियात की वजह से वो लोग आउट ऑफ सिटी मूव किए होते हैं, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये आपको सहूलत प्रोवाइड करती है कि आप किसी और जगह जाके अपने एग्ज़ाम को दे सकते हैं। यहाँ पे आपने अपनी एग्ज़ाम सिटी को चूज़ करना है, आपको अपना कैंपस चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद में अपना सेंटर भी आप चेंज कर सकते हैं जो कि आपको अवेलेबल होगा उस एग्ज़ाम सिटी में। ठीक है, पर इसमें एक मरतबा अगर आप चेंज कर लेंगे तो दोबारा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिर आपने एग्ज़ामिनेशन की जो अवेलेबल डेट होगी उसको सिलेक्ट करना है और आपका जो उसको टाइम होगा उसको सिलेक्ट करना है। एक मतलब जब आप कंफर्म कर लेंगे तो फिर वो आपका चेंज नहीं होगा। एक पेपर की डेट और सेशन सेलेक्ट करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पेपर को भी सिलेक्ट करने के लिए आपने स्टेप 4 को ही रिपीट करना है। जब तमाम आपके जो पेपर सिलेक्ट हो जाएंगे तो देन आपको अपने बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन स्लिप जो है वो आपको आपके ईमेल एड्रेस पर आ जाएगी और उसको आपने वहाँ पर आपका जो पासवर्ड होगा वो आपने नोट कर लेना है और उस ईमेल को जो आप लोगों ने सेव कर लेना है। ठीक है, आप ईमेल भेज सकते हैं और उसके बाद में जब आपका रोल नंबर स्लिप आपकी बन जाएगी तो इसी तरीके से आप दोबारा से लॉगिन करके उसको देख सकते हैं, उसका प्रिंटआउट निकलवा सकते हैं। अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप dashit@vu.edu.pk पे अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। ये था डेट शीट बनाने का तरीका। अब मिड टर्म की डेट शीट कब से स्टार्ट हो रही है, तो मिड टर्म की डेट शीट जो है वो आपकी ये कमिंग वीक में ही लॉन्च हो जाएगी। आप लोगों ने एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल इसको बनाना है क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला रूल चलता है। आप लोग पहले से ही जिस तरह से आप लोगों ने भी एग्ज़ाम देने हैं आप उसको पहले मैनेज करके रखें ताकि जैसे ही डेट शीट लॉन्च हो आप फौरी तौर पर अपनी सीट को रिज़र्व करवा सकें। ठीक है, और ये चूँकि अब ब्लॉकिंग ऑफ LMS का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, जैसे ये नोटिफिकेशन आता है तो उसके कुछ देर बाद ही आपकी डेट शीट वगैरह को लॉन्च कर दिया जाता है। तो आपने वाइजली अपनी डेट शीट को बनाना है क्योंकि एक मरतबा आप बना लेंगे तो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर द मिड टर्म्स। अल्लाह हाफिज़।